गाइस देखो, मान लो क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक विद अ क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है, ये जमीन है। क्या है? ये जमीन है, स्मूथ सरफेसेस है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, मास एम है, मास एम है, एंगल थीटा है। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एंड ऑल सर्फेसिज आर स्मूथ, ऑल सर्फेसिज आर स्मूथ। यार कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, n1 इधर लगेगा। पहला स्टेप हो गया। यार इसका एक्सेलरेशन डायग्राम किधर होगा? लेफ्ट में मान सकता हूं कैपिटल ए। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों ऐसे ही क्यों मान लिया? मैंने कहा इसका एक कंपोनेंट लगेगा, ऐसे ही क्यों माना? हवा में क्यों नहीं मान लिया? मैंने कहा देखो, स्टेटमेंट ए1 बोलता था, Whenever a body moves in contact with a fixed surface, its acceleration should be parallel to the plane. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। उसके बाद क्या करो, दो एक्सिस चूज कर लो। ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल वर्टिकल से थीटा हो गया। इसके दो कॉम्पोनेंट ले लो, इधर हो जाएगा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, इधर हो गया एन कॉस थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं एन साइन थीटा इज एम ए एंड एन कॉस थीटा प्लस एम जी इज एन वन। हाँ या ना? ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब प्रॉब्लम किसमें आई? अब ये एक पार्ट हो गया, अब दूसरे बॉडी का करेंगे यही काम। दूसरे बॉडी पे हमने क्या कहा, एफबीडी बनाओ, एक एम जी लगेगा, ऐसे नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल और एमजी तो हो गया। अगला स्टेप क्या है? एक्सेलरेशन डायग्राम किधर बनाऊं? शुड इट बी अलोंग द प्लेन? दैट्स माय क्वेश्चन। शुड द एक्सेलरेशन भी ऐसे, या एक्सेलरेशन ऐसे होगी क्या ग्राउंड फ्रेम में? दो एक्सेलरेशन मतलब ये एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में है क्या? मैंने कहा सोचो जरा एक सेकंड के लिए सोचो। मान लो ये यहां पे होता, मान लो ये यहां पे होता, तो ये वेज इधर जाता, ये वेज इधर जाता, ये वेज इधर जाता, ये वेज इधर जाता, ये डब्बा इधर जाता, ये डब्बा इधर जाता, ये डब्बा इधर जाता। क्या मैं कह सकता हूं इसकी एक्सेलरेशन तो ऐसे कुछ है ग्राउंड फ्रेम में? थिंक ओवर इट, इट्स नॉट अलोंग द प्लेन। तो यहां पर तुम निपटे किस पॉइंट पे? यू कैनॉट ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ, तुम कहोगे एक्सेलरेशन बनानी किसके रेस्पेक्ट में होती है? मैंने कहा एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं हमेशा ग्राउंड फ्रेम में, तो मुझे स्मॉल एम की एक्सेलरेशन चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। अब कैसे बनाऊं? मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा अब लिखो स्टेटमेंट ए थ्री कहता है व्हेनेवर अ बॉडी moves, whenever a body moves in contact with a moving plane, whenever a body moves in contact with a कैसा plane? moving plane या moving surface, moving plane कह दो या moving surface कह दो, then relative acceleration of body with respect to the surface is parallel to contact surface। ये क्या बकवास करिए, तो कुछ अजीब सी बात बोल दी मैंने। मैंने कहा नहीं, that this statement makes complete sense। कि अगर यहां पर एक बंदा बैठा होता ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला बंदा बोलता कि देखो ऐसा है, डब्बा पहले इधर था,
अब ये इधर आ गया, अब ये इधर आ गया और अब ये इधर आ गया। बोला मेरे को तो लग रहा है भैया इधर ही जा रहा है। किसको लग रहा है? वेज को लग रहा है, वेज को लग रहा है। तो तुम कहोगे एक्सेलरेशन तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखनी है और एक्सेलरेशन रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में है? वेज के रेस्पेक्ट में। मैंने यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी वाला फंडा यूज किया। मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। हाँ या ना? ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। अब मैं ये कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम कैन बी थॉट ऑफ एज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल। डज दैट मेक सेंस? और हमारे पास स्टेटमेंट A3 क्या बोल रहा है? दिस थिंग इज पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई कि भाई भाई एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है? एक्सेलरेशन डायग्राम ऐसे बना दो कि इसकी रिलेटिव तो ऐसे बोल दो, ये हो गई एक्सेलरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। हाँ या ना? और मैंने कहा कैपिटल एम की तुमने ऐसे मानी थी तो वो इसमें ऐड कर दो, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों का वेक्टर सम इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम जो ऐसे कुछ बन रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ या ना? मतलब एक्सेलरेशन डायग्राम में ये वाली एक्सेलरेशन स्टेटमेंट A3 से सोच ली। स्टेटमेंट A3 बोलेगा कि ये हो जाएगी पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। मैंने कहा लेकिन ये एक्सेलरेशन F इक्वल टू MA में ये वाला A नहीं ले सकते क्योंकि A लेना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला। तो मैंने कहा ये वाली एक्सेलरेशन ऐड कर दो इसमें, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्सेलरेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्या करोगे? ये बड़ा AM हमने जो करा ये हो गया ना एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये तुम्हारा फोर्स डायग्राम हो गया, ये एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया। F इक्वल टू MA में ये एक्सेलरेशन होनी चाहिए इनका नेट। अब इसमें तुम एक्सिस पे अच्छी चूज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि मतलब क्योंकि तुम तो कहते कि एक एक्सेलरेशन में ले लो एक्सिस, एक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ले लो। नहीं, इसमें तो कर ही नहीं सकते, कोई भी तो एक्सिस ले लो, तुम्हें एक्सेलरेशन भी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई ऐसे चूज कर लो, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, फिर इसमें भी ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया। तो ये वाला एंगल थीटा होगा और ये वाला एंगल थीटा होगा सोच के। तो इस है इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा, इधर आ जाएगा ए साइन थीटा। भाई एक्स एक्सिस में नेट नेट फोर्स कितनी है? एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना। एफ नेट कितना आएगा? एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए। ए कितना आएगा? एम ए आर माइनस ए कॉस थीटा। नेट फोर्स नीचे ली है तो नेट एक्सेलरेशन भी तो नीचे लेगा। तो ए आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा। अब वाई एक्सिस में मैंने कहा वाई एक्सिस में नेट एक्सेलरेशन इधर है तो नेट फोर्स भी इधर ही मान ले। इधर नेट फोर्स कितनी है? बिल्कुल सही, एम ए साइन थीटा। हाँ या ना? अब ये इक्वेशन को बोल दो 3 and 4 3 and 4। हाँ या ना? अब एक काम करो, क्वेश्चन इक्वेशन लो 1 and 4, इक्वेशन लो 1 and 4, देख के 1 and 4, 1 and 4 में से नॉर्मल एलिमिनेट कर दो, कैपिटल ए आ गया। 1 and 4 में से क्या करोगे? 1 में लिख दो एम ए बाई साइन, तो ये आ जाएगा एम जी कॉस माइनस स्मॉल एम कैपिटल ए बाय सॉरी कैपिटल एम कैपिटल ए बाय साइन इज एम ए साइन। एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ जाएगा? कैपिटल ए आ जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, ये कैपिटल ही आ गया। मैंने कहा ये एक्सेलरेशन किसकी आई है, वेज की। अब मैंने कहा कि एक काम करते हैं स्मॉल एम की निकालते हैं। मैंने कहा पहले स्मॉल एम कैसे, पहले तो क्या निकालोगे, ए आर निकालोगे। ए आर कैसे निकल जाएगा, यहां पर ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तब जाके निकलेगा। ए आर कितना आ रहा है, ए आर आ रहा है, ए आर आ रहा है जी साइन थीटा प्लस कैपिटल ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, रुक जाओ, जी साइन थीटा कॉमन ले लो, तो ये आ गया एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, एम प्लस एम बच जाएगा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। ये ए रिलेटिव आ गया, मजा आया। लेकिन अभी भी स्मॉल एम की एक्सेलरेशन नहीं आई है, क्योंकि स्मॉल एम की एक्सेलरेशन है ए रिलेटिव और कैपिटल ए का सम, वेक्टर सम। तो चाहो तो कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि ये एंगल थीटा है तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा ए आर कॉस थीटा माइनस ए, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा ए आर साइन थीटा। या मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो सीधा भी बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इज टेक्निकली ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस टू ए ए आर कॉस 180 माइनस थीटा का अंडर द रूट, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, मतलब क्योंकि दिस विल बी टेक्निकली योर ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस टू ए ए आर कॉस थीटा। वाज दिस फन? इतना बड़ा ए डलेगा और इतना बड़ा ए आर डलेगा और फिर उसका स्क्वायर बनेगा, ए आर का स्क्वायर बनेगा, ए बनेगा, ए आर बनेगा, कोस थीटा भी आएगा, फिर कल तक सॉल्व हो जाएगा शायद। गाइस ये मित्रों, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ था ना, इसमें हमने ये किया था कि ये एम वन था, ये एम टू था, और ये दे दिया सपोज से एंगल थीटा। क्वेश्चन ये था कि कितनी फोर्स लगाऊं टू कीप देम एट रेस्ट। मैंने कहा ना ना ना, इसे फोर्स फोर्स नहीं, छोड़ दिया। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एम वन एंड एम टू, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एम वन एंड एम टू, दैट्स योर क्वेश्चन।